में आती है। बिल्कुल जी भाई साहब, एक आपकी पहले वीडियो लगी थी जैसे आप गाय को जैसे पैर हाथ में ले रहे थे। हाथ में ले रहे थे, वैसी गाय है क्या ये? ये ऐसी है भैया, ये देखो। हाँ ये देखो भाई साहब, गाय ठंडे स्वभाव में है। हाँ जी, जो वीडियो लगे जैसे हाथ पैर रहे हैं गाय, देखो पीछे मुड़ के नहीं देख रही है। ये देखो पूंछ उठा रखी है जी। हाँ पूंछ देखो कैसे उठा रही है। अगर आप कोई भी गाय खरीदते हो किसी से भी, हाँ जी, तो ठंडे स्वभाव में खरीदा करो भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, जैसे आपसे इकट्ठी गाय कोई खरीदता है, हाँ जी, जैसे सारी गाय इकट्ठी खरीदता है, हाँ जी, उस पर कुछ ऑफर रहेगा क्या? हाँ जी, कौन सा रहेगा भाई साहब? जो जैसे पांच गाय दिखाई आपने, हाँ जी, छह दिखाई है, पांच दिखाई है, पांच दिखाई है, पांच गाय में चार गाय के साथ एक गाय फ्री है। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी। और भाई कोई मान सम्मान हो जाएगा? देखो जैसे कोई, भैया मेरी बात सुनो, हाँ इतना ऑफर कोई भी नहीं देता जितना हमने दे दिया। बिल्कुल जी, ठीक है जी, हाँ मेरी बात सुनो जी। भाई साहब मात्र आपको क्या बताएं, अपना जो चैनल है ना कैटल फार्मिंग, हाँ जी इससे ऑफरों का भंडार है और ऑफर आते रहते हैं हाँ इसमें। जी, जे कोई जोड़ा कट्ठा लेता है भाई, हाँ हाँ ठीक है, मान लो जोड़ी गाय की कट्ठी ले ली, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो हाँ जोड़ा कट्ठा लेता है, जो कीमत बताई उसमें 5100 रुपया छूट। अच्छा जी, जो भाई कोई भी गाय इकट्ठी खरीदता है, हाँ जी, जैसे मतलब ये पहली या दूसरी, ये दोनों खरीद ली इकट्ठी, या हाँ ये दोनों खरीद ली, या दोनों ने इकट्ठी खरीद हाँ ली, हाँ 5100 रुपया छूट। वाह जी वाह भाई हाँ जी साहब, अगर कोई भाई दोनों भाई इकट्ठी खरीदता है 5100 रुपए की छूट है, हाँ जी, और 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट वो तो है वो ही। है ही है। बिल्कुल सही बात हाँ है जी, जी शानदार ऑफर दिया है जी। हाँ जी, जो और भाई कोई अकेली जैसे गाय खरीदता है उसके साथ भाई साहब, उसके साथ में सर जी 1100 छूट कर देंगे। अच्छा 1100 की छूट और कर बाकी दी। साहब के चैनल पे मिलती है ऐसी गाय 50,000 में, और ये बिल्कुल और फार्म में हो ना या और चैनल पे हो, तो ऐसी गाय का 70,000 रुपया रेट होता है जी। बिल्कुल जी, अपने कहने पे भाई साहब ने 1100, मान लो ये नहीं भाटी साहब, आपके चैनल पे 500 की बात नहीं, 600 भी कर देंगे। और बताओ। अच्छा 600 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाह हाँ जी वाह जी, भाई जब साहब, 500 600 ही दे देंगे जी। बिल्कुल बिजली जी जी, भाई हाँ साहब, जी, लगभग क्या होता है लोग क्या है खाते में पैसे डलवा लेते, गाय नहीं बेचते हैं, वो देखो गलत जी होता है भाई साहब। भैया एक बात और भी है, हाँ जो खाते में पैसे डलवा के गाय नहीं बेचते ना, हाँ हाँ उसमें भी कई बारी उनका भी कारण होता है, और कई बारी अगले का भी कारण होता है। अच्छा देखो भैया साहब, पांच आंगली एक जैसी नहीं, बिल्कुल सही बात है ठीक है जी। ना, हाँ कई कस्टमर भी ऐसे हैं, और कई जो मान लो देने वाले हैं वो भी कई बारी, ऐसे हैं, बिल्कुल दोनों सही को बात। आप किसी को नहीं और पकड़ा एक के। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में यही चीज बोलता हूँ, अगर आप किसी से भी गाय पसंद कर रहे हो, जैसे आपने एक गाय पसंद कर ली, उसके जैसे पैसे खाते में डाल दिए, तो उसके बाद में क्या होता है, लोग दूसरी जगह ट्राई मारते हैं, रिकॉर्ड खाते में पैसे डाल दो, है जी वो कितने डालते टोकन मनी जो भाई, आप, 1,000 2,000 डाल देते हैं, हाँ दो टाइम मिल्किंग देख ली, अगर तीसरी था गाय पसंद आ गई, बाद में कहते हैं हम गाय नहीं लेते, तो अगले की अगले को दूसरे ग्राहक का फोन आता, अगला कहता है बिक गई, वो दो ही पासे से रह बिल्कुल जी, जाता है। मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ, जल्दबाजी मत करे, हाँ फिर अगर वो, कोई पशु खरीद रहे हो हाँ जी, तो आपका पूरा, हाँ ठीक है शुद्ध बुद्ध के खरीदा करो, जो आपका यहाँ जे दिल जम जाए ना, हाँ उसके बाद में खरीदो, पहला बिल्कुल सही बात है आपका जी। दिल है ना उसको बांध के फिर खरीदो। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, जितने क्योंकि भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी पशु खरीद रहे हो, अपनी समझदारी और सूझबूझ से खरीद ले भाई हाँ साहब, जी अपना वीडियो बनाने का माध्यम है, हर हाँ वीडियो में कहता हूँ भाई हाँ साहब। जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, और सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, और वीडियो देखने वालों को भी राम राम। राम राम सारे भाई को। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जी। जो भाई नहीं जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ जी, कमेंट के अंदर जय गो जय माता, गौ माता जरूर लिखे। जय गो माता जरूर लिखे। हाँ तो जी, भाई साहब आपकी जितनी भी गायें हैं उनकी डिटेल लेंगे बाद में, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा गांव खुईगढ़ा रुकनपुरा, ठीक है, जिला फाजिलका, तहसील हबोर, डिस्ट्रिक्ट नंबर है जो मेरा वो 98720-0468। अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? हाँ जी, 98720-0468। ठीक है जी, दूजा नंबर 94647-25390। ठीक है, दो नंबर है, ठीक हाँ, है जी, और नाम और बता दो। नाम मेरा अमनदीर सिंह। अमनदीर सिंह, हाँ जी ठीक है जी। भाई साहब ने जो दोनों नंबर बताए, दोनों नंबर पर किसी भी नंबर पर वीडियो कॉलिंग करके गाय की मिल्किंग हाँ और जी किसी गाय की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेनी, तो वो भी आपको चेक करवा देंगे हाँ जी। जी, प्रेगनेंसी मेरे कोई है ही नहीं, गबन सारी सुई हुई है। आज ब्याही हुई है, हाँ जी सब ठीक ब्याही है है। जी। और मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, अगर आप किसी से भी प्रेग्नेंट गाय लेते हो हाँ जी तो उसकी प्रेगनेंसी उससे चेक करवाएं जी, हाँ जी, और जैसे ब्याही हुई गाय खरीदते हो तो वीडियो कॉलिंग पर मिल्किंग। मिल्किंग दो टाइम जरूर देखा करो भैया, काल मत करे करो, क्योंकि सबने पैसा देना है, ठीक है, अच्छा इसलिए भाई आपकी जो गाय लेते हो ना हाँ, उसकी मिल्किंग देख के लिया करो, इसके बाद में वो भैया मेरी बात सुनो, आप गाय जाती है 500-700 किलोमीटर पे, अब जाते कहते हैं अभी बाल्टी रख दें, तो बाल्टी तो भाई जाते हैं सफर में, आप तो आप ही आए हो थक के, तो अपने से आपसे नहीं चला बिल्कुल जाता है। जी सही बात है जी। हाँ जी अगर आप किसी से भी पशु खरीद रहे हो हाँ तो जी उसको बोलो भाई साहब मिल्किंग चेक करवाओ, हाँ जी, मैं आप आपको कोई खुद कह दबाव रहा थोड़ी। हूँ, दो हाँ टाइम मिल्किंग चेक करो, हाँ क्यों भाई गाय ले रहा ना, तो दो टाइम मिल्किंग चेक करके लो। बिल्कुल जी हाँ भाई जी साहब, चेक करनी चाहिए। हाँ जी
जो वीडियो कॉलिंग पर आपको उनको बोलो भाई साहब मेरे को वीडियो कॉलिंग पर चेक करवाए, चेक करवाएंगे भाई साहब। हाँ जी ठीक है जी। तो वीडियो में अपने में कितनी गाय गाय आज? 5 गौ माता जी। कौन कौन सी नस्ल की है आज भैया? गदरी राठी भी मिलेगी, थार दूसरा गिर क्रो गिर मिलेगी, और भाई साहब साहिवाल और क्रॉस में भी मिलेगी। ठीक है, कीमत क्या रहने वाली आज? कीमत 31,000 से लेके, हाँ जी, और भाई साहब 52,000 तक रहेगी। 31,000 से लेके 52,000 की रेंज रहेगी। हाँ जी, उसमें 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट भी रहेगा। अच्छा, 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट तो रहता ही आपका। हाँ जी, हाँ जी। हर वीडियो में रहता है ना? हाँ जी। ठीक है जी, और कुछ ऑफर रहेगा वो भाई साहब? वो भाई साहब वो चलती वीडियो में जरूर देंगे, वो आपको पता ही है। जब ये भाई साहब की वीडियो लगती है इनका ऑफर होता है वो बीच में दे देते हैं। हाँ जी, जो भी ऑफर रहेगा बीच में आपको बता देंगे। हाँ जी, और ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर का रहेगा। हाँ जी। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाँ जी। तो भाई साहब सबसे पहले कौन सी गाय डिटेल दोगे? गदरी राठी की। अच्छा, गदरी राठी। हाँ जी। ब्याही हुई है? बिल्कुल जी, ये देखो शान सभा की है जी। कौन से ब्यांत में भाई साहब? दूसरे ब्यांत में है जी। ठीक है, दूसरे ब्यांत में। हाँ, गाय की अंडर क्वालिटी देखो अच्छी है। ये देखो एक्स्ट्रा थन तो नहीं है किसी प्रकार का जी। देखो जैसे पीछे क्या है भाई साहब? पीछे बछड़ा जी। अच्छा, बछड़ा लेके आई। हाँ जी। और ब्याही को कितने दिन हुए इसको? सर जी 2 ही दिन हुए। 2 ही दिन हुए क्या? हाँ जी। थोड़ी चला के दिखा दो। हाँ जी भाई साहब, गाय की अंडर क्वालिटी अच्छी है बिल्कुल। हाँ जी। और दूध कितना दे देगी भाई साहब? दूध भैया 15 किलो खुला देगी, 16 किलो, और लेकिन ये बात है 12 किलो खीस अभी तैयार है जो कोई भाई 2 टाइम मिल्किंग देखना चाहिए। अच्छा, तो कच्चा खीस दे रही है अभी। हाँ जी। तो दूध कितने दिन साफ हो जाएगा? दूध भैया 15 दिन में पूरा साफ हो जाएगा, जैसे तो 10 दिन में हो जाता पर गाय दूध 15 दिन बाद में आती है। बिल्कुल जी भाई साहब। एक आपकी पहले वीडियो लगी थी जैसे आप गाय को जैसे पैर हाथ में ले रहे थे। हाथ में ले रहे थे। वैसी गाय है क्या ये? ये ऐसी है भैया, ये देखो, ये देखो भाई साहब गाय ठंडे स्वभाव में है। हाँ जी, जो वीडियो भाई साहब जैसे हाथ फेर रहे हैं गाय देखो पीछे मुड़के नहीं देख रही है। ये देखो पूंछ ठा रखी है जी। हाँ, पूंछ देखो कैसे उठा रही है। अगर आप कोई भी गाय खरीदते हो किसी से भी तो ठंडे स्वभाव में खरीदा करो भाई साहब। हाँ जी, क्योंकि घर में क्या होता है फैमिली में अपने बच्चे होते हैं। हाँ जी। वो बच्चे क्या होते हैं जैसे कई बार माँ बाप घर पे नहीं होते तो वो गाय के साथ खेलते रहते हैं। हाँ जी, जैसे मर्जी बच्चा खेले इसके साथ में, कोई बुजुर्ग है कोई आदमी कई बार घर पे नहीं है तो कोई मर्जी दूध निकाले ऐसे नहीं है जी। बिल्कुल जी। हाँ, कीमत क्या रखी है भाई साहब इसकी? कीमत 52,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। अच्छा, 52,000 रुपए कीमत है, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री। और जो भाई ट्रांसपोर्ट खुद का लेगा तो भाई साहब? फिर भाई साहब 45,000 की। अच्छा, 45,000 रुपए। हाँ जी। ठीक है जी, किसी भाई को गाय पसंद आती है वीडियो कॉलिंग करके मिल्किंग और चेक कर। कौन सी नस्ल की गाय आ गई? बिल्कुल साहिवाल प्योर, पहले ब्यांत की खार की बछड़ी जी। हल्की सी क्रॉस में है भाई साहब? नहीं भैया साहब, थोड़ी सी ना। हाँ? क्योंकि साहिवाल के हम्प थोड़ा छोटा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अगर आप कोई भी गाय खरीदते हो तो हल्की क्रॉस में लिया करो भाई साहब। हाँ जी, क्योंकि जो क्रॉस की गाय होती है दूध के लिए। हाँ जी, अच्छी होती है। हाँ जी। ब्याही हुई है क्या? बिल्कुल जी, मगर बछड़ी है जी। अच्छा, पीछे बछड़ी और दिखा देता हूँ, ये पीछे बछड़ी है। हाँ जी। और ब्याही को कितने दिन है भाई साहब? ब्याही को भैया 2 काल की ब्याही है जी। ये देखो सुबह देखो जैसे पहले बछड़ी है ना। कब की ब्याही है? कल की ब्याही है भैया। देखो आज वीडियो बन रही है 6 अक्टूबर 2024 को। हाँ जी। और 5 अक्टूबर 2024 को ब्याही हुई है। ये देखो भैया कौन से ब्यांत में ब्याही है भाई साहब? पहले ब्यांत में है भैया। अच्छा, पहला ब्यांत है। हाँ जी। ये देखो ऐसे नहीं ऑर्डर पे कैसे मर्जी आप। रस्सी बंदी है। हाँ जी। और जो लगभग ये रस्सी इसलिए बांधते हैं क्योंकि जब हम दूध निकाले तो पीछे जैसे रस्सी बांधते हैं उसमें कोई दिक्कत ना करे। ये देखो और फर्स्ट ब्यांत देखते हुए गाय ठंडे स्वभाव में है बिल्कुल। ये देखो स्वभाव देखो जी। हाँ, अपने जो स्वभाव की रहेगी। भाई साहब दूध कितना दे रही है अभी? अभी भैया 4-4 किलो खीस है, 12 किलो दूध देगी पहले ब्यांत में। 4-4 लीटर खीस दे रही है। हाँ जी। तो दूध बढ़ जाएगा भाई साहब? 12 किलो खुला देगी जी। अच्छा। हाँ जी। कीमत भाई साहब? कीमत नॉर्मल है जी। कितनी भाई साहब? 31,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रहेगा। ओनली 31,000 रुपए मात्र ही जी। मात्र 31,000 रुपए में पर ट्रांसपोर्ट भरी रहेगा। 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट रहेगा। जो भाई फार्म का रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 25,000 में बछड़ी वाली रुपए में। बछड़ी वाली गाय 25,000 में फर्स्ट ब्यांत की ब्याही हुई। हाँ जी, वो भी खार की मुंह से 2 दांत। बिल्कुल जी। अगर किसी भाई को दांत चेक करने हो तो वीडियो कॉलिंग करके दांत और चेक करवा दे। हाँ जी, बांधो भाई साहब। सब तीसरे नंबर पे कौन सी नस्ल की गाय आ गई? सर जी शुद्ध साहिवाल बछड़ी, दूसरे ब्यांत की साहिवाल। हाँ जी। गबड़ है भाई साहब? नहीं जी, सर जी कल की ब्याही हुई है। अच्छा, पीछे क्या है भाई साहब? पीछे बछड़ी है, बछड़ा जी। अच्छा, पीछे बछड़ा साइड में बंदा है जी। अगर हाँ किसी भाई को बछड़ा चेक करना तो और चेक करवा देंगे। हाँ, कौन से ब्यांत में ब्याही है भाई साहब? सर जी दूसरे ब्यांत में ब्याही हुई है जी। अच्छा, दूसरे ब्यांत में। हाँ जी। और दूध कितना दे रही है अभी? दूध अभी 11 किलो खीस तैयार है। 14 किलो दूध खुला देगी बछड़ी। अच्छा। हाँ जी। दूध कितने दिन में साफ हो जाएगा? दूध सर जी 10 दिन में साफ हो जाएगा। 10 दिन में। हाँ जी। अंडर क्वालिटी देखो और सर जी गाय का अंचल देखो और बछड़ी प्योर क्वालिटी है गाय की। और गाय जो बॉडी स्ट्रक्चर है गाय का शानदार है। हाँ जी। और बिल्कुल स्किन एकदम साफ सुथरी है। हाँ जी। और कीमत भाई साहब?
कीमत 50,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रहेगा जी। अच्छा, 50,000 में 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी, जो फार्म का रेट है वो 45,000 रुपए। किसी भाई को गाय पसंद आती वीडियो कॉलिंग करके मिल्किंग और चेक कर हेड बॉडी देखो सर जी, बिल्कुल शानदार है जी। हाँ जी, ऑर्डर क्वालिटी अच्छी है बिल्कुल। हाँ जी, और कोई किसी प्रकार की साइड भी नहीं उठा रही है, बराबर है बिल्कुल। हाँ जी, बांधो भाई साहब। चार नंबर पे कौन सी नस्ल की गाय आ गई सर जी? गिर बछड़ी है, दूसरे ब्यात में। अच्छा, साहीवाल और गिर क्रॉस में आ गई। हाँ जी, कौन से ब्यांत में सर जी? दूसरे ब्यांत में। पीछे क्या है भाई साहब? बछड़ी है जी, गिर बछड़ी। और अडर क्वालिटी और दिखा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और अडर दूध निकला हुआ है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल निकला हुआ है जी, बिल्कुल जी। दूध रोक के वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए। मैं पहले ही कौन से ब्यांत में बेही है भाई साहब? दूसरे ब्यांत में आगे वीडियो में बोलता हूँ कि दूध रोक के कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है, बनानी भी नहीं चाहिए, नहीं बनानी, पशु परेशान हो जाता है। हाँ जी, वैसे मिल्किंग दिखाएंगे ना बाद में। हाँ जी, तो मिल्किंग में दिक्कत होती है। हाँ जी ठीक है। दूध कितना दे रही है अभी? दूध अभी 12 किलो रेडी है। अच्छा, 12 किलो 6 लीटर एक टाइम का। हाँ जी, दे रही है क्या? हाँ जी, हफ्ता होया ब्याई को। अच्छा, एक हफ्ता हो, दूध साफ हो गया क्या? नहीं अजय, नहीं हुआ जी, अजय तो 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। कीमत भाई साहब? कीमत नॉर्मल रहेगी। कितनी? 45,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट। 45,000 रुपए कीमत है, 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट रहेगा। फार्म का रेट है 45,000 रुपए, आप माइनस कर लो। हाँ जी, क्योंकि वो इस गाय के अंदर ही ऐड हो जाता है। हाँ जी ठीक है जी, मान दो भाई साहब। हाँ जी, अगर किसी भाई को गाय पसंद आती है तो वीडियो कॉलिंग करके मिल्किंग और चेक कर लेना जी। हाँ जी, गाय साफ सुथरी है बिल्कुल और स्वभाव में ठंडी है सर जी। हाइट देखो बछड़ी की, हाइट लेंथ अच्छी है गाय की जी। हाँ जी, बांधो भाई साहब। तब लास्ट में कौन सी नस्ल आ गई सर जी? ये साहीवाल और जर्सी में क्रॉस में है। अच्छा, साहीवाल और जर्सी क्रॉस में। हाँ जी, ब्याई हुई है क्या? हाँ जी बिल्कुल, सारी गाय ब्याई हुई है। हाँ जी बिल्कुल जी, कौन सी ब्यांत में ब्याई है भाई साहब? ये सर जी दूसरे ब्यांत में है जी। हाँ, और सर जी अभी 5 दिन हुए ब्याई को। अभी 13 पीछे बछड़ा जी, 13 किलो खीस तैयार है जी। अच्छा, पीछे बछड़ा है। हाँ जी, 13 किलो खीस दे रही है। हाँ जी, और गाय दूध के लिए सबसे अच्छी गाय है। हाँ जी सर जी, ये क्रॉस में है ना दूध। हाँ, के लिए तो सर जी ये टैंकी होती है। बिल्कुल जी। हाँ जी, तो दूध अभी कितना दे रही है और कितना दे देगी आगे? आगे सर जी दूध देगी गाय 17-18 किलो, पर मैं 16 किलो बोल के देता हूँ। हाँ ठीक है, किसी भाई की। अच्छा, एक चीज और पूछनी आपसे, जो दूध की गारंटी रहेगी वो कहाँ तक की है? देखो भैया मेरी बात सुनो, कि गारंटी आदमी की नहीं होती भी, अब है 5 मिनट बाद में मर जाए। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। दूध निकालना तो यहाँ निकाल लो, अपना आपको खुद का नहीं पता भी 5 मिनट बाद में होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ है जी, अगर तो, आप कोई भी गाय खरीद रहे हो तो दूध है वो यही चेक कर लो। देखो भैया पता बात कैसे होती है, कई भैया गाय ले लेते हैं। हाँ, बाद में चिट्टे आपके डाले होते हैं। हाँ, गाय को तो जाके चौकरी नहीं पाते, तो गाय दूध किधर देगी? वो उसको खिलाना तो खुवाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी, हाँ जी। अगर आप गाय से दूध चाहते हो तो हाँ उसको कुछ खिलाओ। देखो सर जी वो पंजाबी कहावत है, डंगर के साथ में डंगर होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, दूध देती है। हाँ, और सर जी ये मेरी बात, मान लो आप मेरी बात सुनो, जैसे गाय को घर पे जाके बांध देते हैं, हाँ बाद में उसको डालेंगे नहीं तो दूध कहाँ? देखो सर जी पता बात क्या, मैं कई बार घर में वीडियो देखी है कि इतने इतने बट्ठल होते हैं, उसमें तूड़ी डाल देते हैं, तो उसमें तूड़ी में क्या, वो उसमें तो इतना तो 3 दिनों को बच्चे को तूड़ी डाल देते हैं जितनी वो गाय को डालते हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी सही बात है भाई साहब, डालते हैं नहीं, बाद में कहते हैं भाई, बाद में कहते हैं भैया दूध, ये दूध नहीं दे रही। भाई साहब जैसे आपसे इकट्ठी गाय कोई खरीदता है, हाँ जी, जैसे सारी गाय इकट्ठी खरीदता है, हाँ जी, उस पे कुछ ऑफर रहेगा क्या? हाँ जी, कौन सा रहेगा भाई साहब? जो 5 गाय इकट्ठी लेगा उसको एक, जो मेरी गाय 31,000 वाली है वो रस्से के साथ में दूंगा। अच्छा हाँ, जो भाई 5 गाय, जैसे 5 गाय दिखाई आपने। हाँ जी, अच्छा दिखाई है, 5 दिखाई है, 5 दिखाई है, 5 गाय में 4 गाय के साथ एक गाय फ्री है। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, और भाई कोई मान सम्मान हो जाएगा? देखो कोई... मेरी बात सुनो, इतना ऑफर कोई भी नहीं देता जितना हमने दे दिया। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, मेरी बात सुनो भाई साहब, आपको क्या बताएं, अपना जो चैनल है ना कैटल फार्मिंग, हाँ जी, इससे ऑफरों का भंडार है और ऑफर आते रहते हैं। हाँ जी, जे कोई जोड़ा इकट्ठा लेता है भाई, हाँ ठीक है, मान लो जोड़ी गाय की इकट्ठी ले ली। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, और जोड़ा कट्ठा लेता है जो कीमत बताई उसमें 5100 रुपया छूट। अच्छा जी, जो भाई कोई भी गाय इकट्ठी खरीदता है। हाँ जी, जैसे मतलब ये पहली या दूसरी, ये दोनों खरीद ली इकट्ठी, या ये दोनों खरीद ली, या दोनों इकट्ठी खरीद ली। हाँ हाँ, 5100 रुपया छूट। वाह जी वाह। हाँ जी भाई साहब, अगर कोई भाई दोनों गाय इकट्ठी खरीदता है 5100 रुपए की छूट है। हाँ जी, और 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट वो तो है ही है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, शानदार ऑफर दिया है। हाँ जी, जो भाई कोई अकेली जैसे गाय खरीदता है उसके साथ भाई साहब? उसके साथ में सर जी 1100 छूट करते हैं। अच्छा, 1100 की छूट और कर दी। हाँ जी भाई साहब, अगर कोई भाई जैसे ये गाय आप खरीदते हो, हाँ जी, आपका इसने कितना रेट बोला था? 50,000 में 50,000 रुपए बोला था, उसमें 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी, और 1100 रुपए की और छूट कर दी। ये ही बाटी साहब के चैनल पे मिलती है ऐसी गाय 50,000 में, और ये और फार्म में हो ना या और चैनल पे हो तो ऐसी गाय का 70,000 रुपया रेट होता है जी। बिल्कुल जी, अपने कहने पे भाई साहब ने 1100 रुपए की छूट भी दे दी। भाई साहब जो ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे 500 किलोमीटर का भाई साहब ने बताया है, लगभग
इसमें भाड़ा लग जाता है 500, मतलब ये नहीं भाटी साहब आपके चैनल पे 500 की बात नहीं, 600 भी कर देंगे। और अच्छा, 600 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाह जी, 500-600 ही दे देंगे जी। बिल्कुल जी, हाँ जी भाई साहब, जो ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, ये जॉइंट के अंदर गाय बेचते हैं। हाँ जी, तो जॉइंट के अंदर क्या हुआ, थोड़ा भाड़ा कम लगता है, इसलिए अगर आप स्पेशल भाड़ा ले जाते हो, हाँ जी, तो आपका भाड़ा थोड़ा सा। सर जी, मैंने कल ही भी बहुत भेजी है। अच्छा, आज मेरी गाय गई है करनाल में, तो मैं कल ही भेजी। ठीक है जी, उस दिन हिमाचल गई तो था, ये कल ही भेजी, ऐसे नहीं भी ज्वाइंट बनाना तो गाय लोड नहीं होगी। बिल्कुल, तो मेरे को चाहे खुद को भाड़ा आपके आपका ये कल्ली गाय पे भेजे, मैं ऐसे नहीं अगले गाय रोक लूंगा, अगले को कहूंगा भी जाने दो। बिल्कुल भेजनी भी चाहिए भाई साहब। हाँ, लगभग क्या होता है, लोग क्या है खाते में पैसे डलवा लेते, गाय नहीं बेचते। देखो वो गलत होता है भाई। भैया एक बात और भी है, जो खाते में पैसे डलवा के गाय नहीं बेचते ना, उसमें भी कई बार उनका भी कारण होता है और कई बार अगले का भी कारण होता है। अच्छा, देखो भैया साहब, पांच आंगली एक जैसी नहीं। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। हाँ। कई कस्टमर भी ऐसे हैं और कई जो मान लो देने वाले हैं वो भी कई बार ऐसे हैं। दोनों को आप किसी को नहीं। और एक जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, अगर आप किसी से भी गाय पसंद कर रहे हो, जैसे आपने एक गाय पसंद कर ली, उसके जैसे पैसे खाते में डाल दिए, तो उसके बाद में क्या होता है, लोग दूसरी जगह ट्राई मारते हैं। हाँ, ये पक्की बात है जी। हाँ, पता बात क्या, अभी मान लो जैसे वो 31,000 वाली गाय पसंद कर लिया आप। हाँ जी, उसमें क्या होता है भाई साहब, गाय मेरे को पसंद आई, आप बोलो भाई साहब मेरे को खाते में पैसे डाल दो। हाँ, वो कितने डालते टोकन में, 1,000-2,000 डाल देते हैं। हाँ, दो टाइम मिल्किंग देख ली, तीसरी था गाय पसंद आ गई, बाद में कहते हम गाय नहीं लेते, अगले की अगले को दूसरे क्रैक का फोन आता, अगला कहता बिक गई, वो दो ही पास। मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ, जल्दबाजी मत करे। हाँ, अगर कोई पशु खरीद रहे हो, हाँ जी, पूरा हाँ शुद्ध बुद्ध के खरीदा करो, जो आपका यहाँ जे दिल जम जाए ना। हाँ, उसके बाद में खरीदो। बिल्कुल सही, पहले आपका दिल है ना उसको बांध के फिर खरीदो। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ है, क्योंकि भरोसा करना पड़ता है भाई। हाँ जी, देखो जी, कोई तो, भी है किसी की मेरी बात सुनो। हाँ, जो आप गुरु धारते हैं तो उसके ऊपर विश्वास तो रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी पशु खरीद रहे हो, अपनी समझदारी और सूझबूझ से खरीद ले। हाँ जी, अपना वीडियो बनाने का माध्यम हर वीडियो में कहता हूँ भाई। हाँ जी, चलो ठीक है जी भाई साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गो, अच्छी गायों के साथ। जय गो माता, जय जय गोपाल। हाँ जी।